सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में जो खीरे के ऊपर बनाई हुई है। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि गर्मियों के दिनों में, गर्मियों जो चल रही है, इसमें खीरा कड़वा क्यों निकलता है। मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि खीरा कड़वा निकल रहा है, खीरा कड़वा निकल रहा है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को पता चल जाए। जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी पहले ही उसको बता दिया था, और जो नए किसान हैं उनको भी शायद ना पता हो, पुराने किसानों को भी हमने बता दिया है, उनको भी पता है, या नहीं पता है तब भी बता देते हैं हम लोग फोन जिनका भी आता है। तो कुकुम्बर में, खीरे में जो दिक्कत आती है ये पानी की कमी के कारण आती है। कुकुम्बर फैमिली जो है, कुकुम्बर जो है वो कुकुरबिट्स फैमिली से आती है। कुकुरबिट्स, तो कुकुम्बर जो है उसके अंदर कुकुरबिटासिन एक केमिकल होता है उसके अंदर, वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से कुकुम्बर कड़वा हो जाता है। तो ज़्यादा ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है गर्मियों के दिनों में आती है, बजाय कि सर्दी के दिनों में। सर्दियों के दिनों में भी आती है मगर थोड़ी बहुत आती है जब पानी की कमी हो जाती है। तो फर्टिलाइज़र, प्लांट स्पेसिंग, इरिगेशन जो हम करते हैं हम लोग, ये हमें सही से करना चाहिए, इससे भी हमारा वो कड़वापन नहीं आएगा। आप देखेंगे एक एक प्लांट में कड़वा भी आ रहा है, मीठा भी आ रहा है। तो इसकी वजह से हमें पानी, इस गर्मियों में इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर जा रहा है, तो इसकी वजह से हमें पानी भरपूर रखना चाहिए। ज़्यादातर किसान भाइयों को समझ में आ गया, मगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं आखिरी बार और बता देता हूँ। ये जो पानी की कमी से ही मेन कारण है, बीज में कोई दिक्कत नहीं है, पानी आप उसको पूरा दीजिए, भरपूर रखिए। कुकुरबिटासिन बढ़ने का कारण एक ही है कुकुम्बर में, वो कड़वापन कर देता है, पानी कमी से ही करता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, ना बीज में दिक्कत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसान भाइयों मेरे इस वीडियो से आपको पसंद आया हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी।